चलिए अब आजू बाजू का आवाज बंद कर देना और कहानी ध्यान से सुनना, ठीक है? मम्मा तू चुप रही, मुझे सुनने दे, मन कर रहा है तो आवाज नहीं आई। તરી પેશ કરે છે આની મસ્ત જાગા જેવી બહુ મસ્ત વાર્તા। બે મિત્ર હતા, એક રામુ અને બીજો શ્યામુ। તો એ બે એક વખત જંગલમાં ફરવા નીકળ્યા, તો ત્યાં તો જંગલનો રસ્તો આવતો હતો, તે લોકો ત્યાંથી પસાર થતા હતા, તો ત્યાંની જાડીઓમાંથી એક મોટો અચાનકથી એક મોટો રીંછ આવી ગયો। તો પહેલા મિત્રને તો દૂરથી રીંછ આવતા દેખાઈ ગયું, એટલે પણ એ મિત્ર બહુ સ્વાર્થી હતો, એટલે એણે તો બીજા એના મિત્રને કીધું નહીં અને સીધો બાજુના ઝાડ ઉપર ઝટપટ ચડી ગયો ઉપર। તો આ રીંછ હતો એ થોડો આગળ આવ્યો, પછી બીજા મિત્રને ખબર પડી કે આ રીંછ છે આ, તો એની બાજુમાં એક ઝાડ હતું પણ એ જાડો હતો એટલે ઉપર નતો ચડી શકતો અને એની પાસે એટલો સમય પણ નતો કે ત્યાં ઉપર ચડી શકે। એટલે એણે રીંછ વિશે એક વાત સાંભળી હતી કે રીંછ કોઈ દિવસ મરેલા માણસ કે મરેલા જાનવરને નથી ખાતો, એ શિકાર કરીને જ ખાય છે। તો એ તો આમ મરી ગયો હોય ને એવી રીતે સીધો પડી ગયો અને એનો શ્વાસ રોકી લીધો। પછી તો રીંછ થોડો આગળ આવ્યો અને એને એ ખાતરી કરવા માટે કે આ માણસ છે ને જીવતો છે કે મરી ગયો છે એને ચેક કરવા માટે એનું નાક કાન આંખ એ બધું જોઈ જોઈને આખું શરીર એનું સૂંઘી લીધું। પછી એને એવી ખાતરી થઈ ગઈ કે આ માણસ મરેલો છે, એટલે એ તો સીધો ત્યાંથી ચાલી ગયો। પછી ઉપરનો સ્વાર્થી મિત્ર નીચે આવ્યો અને એણે એના બીજા મિત્રને એવું કીધું કે મને એવું લાગે છે કે આ રીત છે ને તારો કોઈ સગો થવાનો છે, મને એવું લાગે છે। એટલે બોલતો ખરી કે એણે તારા કાનમાં શું કીધું? તો એ બીજા મિત્ર જાડો હતો એ મિત્ર એવું કીધું કે એ રીંછે મને બહુ જ કામની વાત કીધી। એ મિત્ર અમને મુશ્કેલીમાં આપણને મદદ ના કરે એવા મિત્રની દોસ્તી ના કરવી જોઈએ, એવું એ પેલા બીજા મિત્ર સ્વાર્થી મિત્ર એવું સાંભળ્યું એટલે એ તો સીધો મૂંઝાઈ ગયો, એટલે એ તો ચૂપચાપ થઈ ગયો અને ત્યારથી એ બેની દોસ્તી પૂરી થઈ ગઈ। વાર્તા પૂરી। તમને મારી વાર્તા ગમી? જો ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। મારી ચલો સુની, હા ઠીક છે, આપ બતાવો દોનો દોસ્ત કે નામ ક્યાં છે? રામુન ઓર તામુન। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रामू और श्यामू दोनों का नाम क्या था? रामू और श्यामू। जंगल में, वो जंगल में जा रहे थे तब अचानक कौन सामने आ गया? रीच सामने आ गया। कौन सामने आ गया था? रीच। रीच, बहुत अच्छे। हाँ, एक दोस्त ने अपनी जान मतलब उसका जीव खुद की जान बचाने के लिए क्या करा? एक दोस्त ने क्या करा? पेड़ पे चढ़ गया। हाँ, पे चढ़ गया। क्या हुआ? वो पेड़ पे चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? झाड़ पे चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया फटाफट से। और दूसरे मित्र ने क्या करा? सो गया। वो सो गया। हाँ, वो सो गया। ये दूसरा मित्र क्यों सो गया? बोलो। खाना था इसके लिए। क्या हुआ? खाना था इसके लिए। उसने क्या सोचकर वो जमीन पे लेट गया? ऐसू बिचारी जमीन में सुई गयो है। उसने क्या सोचा? वो खाना तो लेट गया। हाँ, उसने सोचा क्योंकि रीच जो होता है ना, उसको ये पता थी कि रीच जो मर चुका है उसको नहीं खाता, तो वो इसलिए नीचे सो गया कि जैसे कि वो मर चुका हो, वो इस तरह नीचे सो गया। इसलिए
इसलिए रीच ने उसको कुछ करा नहीं और वहां से चला गया। बराबर। अब ये मुझे सवाल का जवाब दो कि कहानी जब पूरी हुई तब छिल्ले जो दूसरा मित्र था वो शर्मा, वो उसको बहुत शर्म आई, वो शर्मा गया, चुप हो गया। क्यों दूसरा मित्र क्यों चुप हो गया और कुछ बोला ही नहीं? पता है? सर्वाइलेंस के लिए नहीं, दूसरा मित्र जो पेड़ पे चढ़ गया था ना, पहला मित्र वो है ना चुप हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। वो इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि पहले मित्र ने उसे ये बताया कि मुश्किली जब आती है, कोई तकलीफ आती है और जो दोस्त हमारी मदद नहीं करता ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उसने ऐसे बोला। जब तकलीफ आई, दोनों जंगल में जा रहे थे, मुश्किली आई, यानी वो रीत सामने आ गया, तो पहला मित्र तो कुछ बिना बताए ही पेड़ पे चढ़ गया है कि नहीं, झाड़ ऊपर चढ़ी गयो पेलो मित्र, तो उसको बचाने की कोशिश तक नहीं की, इसलिए वो दूसरा मित्र चुप हो गया क्योंकि उसको पता चल गई कि उसने ये गलत करा है। हमें हमारे दोस्तों, हमारे जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको मदद करनी चाहिए कोई तकलीफ हो, मुश्किली हो तब, है कि नहीं है? तुम कभी जंगल में गए हो? नहीं। ठीक है, प्राणी संग्रहालय में गए हो? जू में? क्या करिए प्राणी संग्रहालय में? अच्छा, कौन कौन से जानवर, कौन कौन से जानवर तुमने देखे हैं वहां? शेर, मगर, बहुत अच्छे, मछली। अब जब भी जाओ ने, अब जब भी तुम जाओ ना वहां, तो ध्यान से देखना। हाँ, अब तुम जब भी काकरी जाओ तब ध्यान से देखना कौन कौन से जानवर है वहां, सब देखना ध्यान से देखना, ठीक है? दूसरा, क्या तुमको जंगली जानवरों से डर लगती है? नहीं नहीं नहीं। तुम अकेले जंगल में जाओ तो डर ना लगे? लगे लगे भी लगे। अच्छा ठीक है, तुम तुम्हारे दोस्तों को कभी मदद करते हो? तुम्हारे दोस्त को, बहनपणी, सखी, दोस्त, मित्र को कभी मदद करते हो? किस तरह मदद करिए? कभी करिए मदद? कभी मदद करी है? कभी कि नहीं करी? अच्छा, कायनात ने हाँ बोला, साजिदा ने ना बोला, ठीक है। कायनात, तुमने कब मदद करी थी तुम्हारे दोस्त या मित्र, तुम्हारी बहनपणी कोई हो उसको? ठीक है, ठीक है, चलो। कभी कभी तुम्हारे दोस्त को कुछ पढ़ना लिखना ना आए और तुम उसको सिखाओ, वो भी एक मदद ही है, ठीक है। तुम तुम्हारे मम्मी को मदद करो, वो खाना पकाती हो या घर का कुछ काम करे और तुम उनको मदद करो, वो भी मदद है एक। मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी कुछ काम करते हो और तुम घर का कचरा साफ कर दो, या फिर चीजें जो घर में कहीं पड़ी हुई वो अपनी जगह पे रख दो, ये सब भी मदद ही है। इस तरह छोटी छोटी मदद करा करो। हाँ, तुम्हारे छोटे भाई बहनों, उनको उनको रखा करो, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई करना है। हाँ ठीक है, बराबर। अब आगे का सवाल, रीच केवा रंगनू होए? रीच कौन से कलर का होता है? काले रंग का होता है। और दूसरे कौन से कलर का होता है? भूरे कलर का, और सफेद कलर का भी होता है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे।